हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो दोस्तों इस मधानी मोटर को रिवाइंडिंग करने का है। तो यह एक मधानी मोटर है। तो सबसे पहले हम इसके स्विच को ऑन कर देते हैं और इस सीरीज बोर्ड में स्विच को लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, बल्ब ग्लो करने लगा है पर हमारी मधानी मोटर घूम नहीं रही है, वर्क नहीं कर रही है। देखिए दोस्तों, बल्ब कभी अधिक रोशनी देने लगता है और कभी धीमी रोशनी देने लगता है। इसका अर्थ यह है कि हमारी मधानी मोटर बाइंडिंग शॉर्ट हो गई है, जल चुकी है। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो इन स्क्रूओं को खोलकर हम बैक कवर को बाहर निकाल लेते हैं। मैं मधानी मोटर रिवाइंडिंग की सीरीज लेकर आया हूं, तो आप देखते रहिए दोस्तों। तो इस प्रकार हम बैक कवर को ओपन कर लेते हैं और देखिए दोस्तों, हमारे कनेक्शन पूरी तरह सही है। हमारे कनेक्शन में किसी प्रकार का लूज कॉन्टैक्ट नहीं है। तो इसमें दोस्तों, यह हमारे तीनों स्टेटर कनेक्शन हैं और यह दो कैपेसिटर कनेक्शन हैं। तो इसमें एक टू वे स्विच लगा होता है और एक वन वे स्विच लगा होता है। टू वे स्विच में हम कैपेसिटर कनेक्शन को देते हैं और वन वे स्विच में हम कॉमन वायर लगाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटर के कैपेसिटर कनेक्शन को टू वे स्विच से बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार देखिए दोस्तों, हम टू वे स्विच से कनेक्शन को बाहर निकाल लेते हैं और अब हम वन वे स्विच से कॉमन वायर को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो यह कनेक्शन हमने ओपन कर लिए हैं। अब इस कैपेसिटर हमारा 2.50 mFD का है। तो अब हम कैपेसिटर से कनेक्शनों को अलग कर लेते हैं और इसके बाद अब हम सीरीज बोर्ड से स्टेटर कनेक्शनों को टेस्ट करेंगे। तो सीरीज बोर्ड हमारा ग्लो करने लगा है। तो यह देखिए दोस्तों, हमारे दोनों कैपेसिटर वायर कनेक्शन नहीं दिखा रहे हैं। इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं दिखा रहा है। तो इसका अर्थ है हमारी मधानी मोटर शॉर्ट हो गई है, जल गई है। अब हम इसे ओपन करने के लिए सबसे पहले यह निशान लगा लेते हैं ताकि फिट करते समय हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी ना जाए। तो अब हम इस सापट से इस नट को बाहर निकाल लेते हैं और इस
मधानी सापट को बाहर निकाल लेते हैं और अब हम इन स्क्रूओं को खोलकर भी इस स्टैंड को बाहर निकाल लेंगे। मैं अपनी इस मधानी मोटर रीबाइंडिंग में दोस्तों छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आपको दूंगा। यदि कुछ छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार हम स्क्रूओं को खोल लेते हैं और इस स्टैंड को बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार अब हम मधानी मोटर से स्टेटर को बाहर निकालेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले कैपेसिटर को बाहर निकाल लेते हैं और फिर मोटर के बैक कवर को खोलने के लिए इन स्क्रूओं को बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने स्क्रू खोल लिए हैं और अब इस मोटर को इस प्रकार ठोकने पर यह बैक कवर आसानी से बाहर निकल आता है। यह देखिए दोस्तों, और इसमें यह बुश लगा हुआ है जिसका नंबर 882 है। यह इसका रोटर है दोस्तों। और यह इसका स्टेटर है। तो अब हम इस स्टेटर को मोटर से बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए हम इस लोहे की रॉड से इस प्रकार हम स्टेटर को ठोकर लगाएंगे। तो यह स्टेटर कवर से बाहर निकल आता है। मैं इस कूलर सापट से स्टेटर को ठोकर लगा रहा हूं। तो यह स्टेटर बड़ी ही आसानी से बाहर निकल आएगा। मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया है दोस्तों, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो इस प्रकार हम कवर से स्टेटर को बड़ी आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। मधानी मोटर रीवाइंडिंग का अगला भाग आप ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, प्रश्नों तो कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।